वो कहते हैं ना कि जोड़ियां आसमानों में बनती हैं और हमें जिंदगी में किसका साथ मिलेगा ये पहले से ही तय होता है। और इस वीडियो में हम जिस जोड़ी की बात कर रहे हैं वो है नीति और परीक्षित की जोड़ी। जी हाँ, इस वीडियो में हम आप सभी को इनकी लव स्टोरी की कहानी सुनाने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल नीति टेलर अपने डांस पार्टनर आकाश थापा के साथ झलक दिखलाजा के 10वें सीजन में नजर आ रही हैं और अपनी अदाओं से सबको पागल बना रही हैं। हम आपको बता दें कि नीति टेलर टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती हैं और नीति अपने कमाल के अभिनय के लिए जानी जाती हैं। नीति ने अपने अभी तक के करियर में कई टीवी शो में काम किया है और कई एक्टर्स को डेट भी किया, लेकिन किसी के साथ भी नीति का रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं चला। अपने इन रिलेशनशिप के दौरान नीति ने काफी कुछ फेस किया और फैसला किया कि वो अब किसी भी इंडस्ट्री के लड़के को डेट नहीं करेंगे और उनका जो जीवन साथी होगा वो आउटसाइडर होगा, उसका इन चकाचौंध लाइफ से कोई लेना देना नहीं होगा। और नीति ने किया भी ऐसा। तो कैसे मिले नीति के मिस्टर परफेक्ट, आइए आपको बता देते हैं। नीति और परीक्षित दरअसल स्कूल फ्रेंड्स हैं और बचपन के साथी को ही नीति ने अपना जीवन साथी बना लिया। दरअसल नीति और परीक्षित स्कूल फ्रेंड्स थे, स्कूल के बाद दोनों आउट ऑफ टच हो गए और फिर दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। बातें होने लगी, फिर मुलाकातें होने लगी और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी आने लगी। दोनों पहली बार दिल्ली में मिले जहाँ परीक्षित रहते हैं। नीति ने बताया कि परीक्षित से मिलने के बाद उन्हें ये पता चला कि परीक्षित कितने अच्छे इंसान हैं। नीति के मम्मी पापा भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो परीक्षित नीति के मम्मी पापा से भी मिले जिन्हें वो काफी पसंद आए। नीति काफी खुश हुई कि अगर वो परीक्षित से शादी करती हैं तो उसमें उनके मम्मी पापा के भी पसंद शामिल होगी, यानी कि उनकी भी रजामंदी होगी। फिर दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया और एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया। नीति कहती है कि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे ही हैं। नीति ने जब ये पूरी तरह तय कर लिया कि वो शादी करेंगी तो केवल परीक्षित से, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो चुका था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तब नीति ने अपने फैंस से इस बात को छुपाना सही नहीं समझा और 2019 में एक बेहद ही रोमांटिक पोस्ट लिखकर नीति ने अपने फैंस से अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया और फिर 13 अगस्त 2019 में ही परिवार वालों के बीच दोनों ने सगाई रचा ली। हम आपको बता दें कि परीक्षित इंडियन आर्मी में कैप्टन है। इसके बाद 13 अगस्त 2020 को नीति और परीक्षित ने गुड़गांव के एक गुरुद्वारे में शादी कर ली। दरअसल इन्होंने शादी करने का फैसला अक्टूबर में किया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से दोनों ने अगस्त में ही शादी रचा ली। शादी के 2 महीने बाद नीति ने अपनी उंगली पर परीक्षित के नाम का टैटू कराया, जिसकी वीडियोज उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की। वेल, इस क्यूट कपल की जोड़ी आप सभी को कैसी लगती है और इनकी लव स्टोरी आप सभी को कैसी लगी बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, लेट्स गेस द कंट्री। बोट्सवाना। यस, लेट्स गेस द कंट्री। Oh, I know this. What is it? This is Morocco. Wow! Because we're having too much fun. Turkey. It says two, na? So, Turkey. Turkey! Swadikha! What is that? Once again. Okay, so here goes. Iceland! Iceland! I think that's the right one. Iceland!